बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स की टीचर और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 30 और उसमें से फर्स्ट नंबर है 28। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो दिए गए नंबर्स हैं उनमें हर नंबर के साथ 30 जो है मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो 28 था। 28 के साथ हम लोगों ने 30 मल्टीप्लाई करना है, इसको भी लिख दिया 28 मल्टीप्लाई 30। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले वंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 08 ज़ा 0, 02 ज़ा 0। अब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 3 मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग यहाँ पे 0 एक पुट करेंगे, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे टेंस प्लेस पे है, यानी प्लेस वैल्यू इसकी क्या है, टेंस है। 3 8 24 जो कि 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर को हम लोग एक जगह पे एक ही प्लेस पे नहीं लिख सकते, तो 4 इसका 4 जो है वंस प्लेस पे है और 2 जो है टेंस प्लेस पे है, तो हम वंस प्लेस डिजिट यानी 4 को यहाँ पे इसके नीचे लगा देंगे। अब 3 2 6, 6 के साथ ये वाला 2 प्लस कर देंगे, तो 6 और 2 8, 8 को यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब इनको आपस में प्लस कर देंगे, तो 0 0 के साथ प्लस हो गया 0 आ गया, 0 4 के साथ प्लस हो गया, तो 4 और 8 के साथ कुछ भी नहीं है, तो 8 को उतार दिया, तो 840 जो है 28 और 30 का प्रोडक्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मैथमेटिक्स की टीचर और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि पेज नंबर 27 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट वर्टिकली एंड देन सॉल्व। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनको पहले राइट वर्टिकली लिख लो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, और क्वेश्चन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, यानी 4924 मल्टीप्लाई बाय 63। 4924 के साथ हम लोगों ने 63 मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये जो है हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, इसको पहले हम वर्टिकली लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोगों ने लिख दिया, अब स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसको वर्टिकली लिखेंगे, 4294 मल्टीप्लाई बाय 63। वर्टिकली हम लोगों ने इसको लिख दिया, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 12, ये 0 ये जो है 2 जो है वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस वाला डिजिट 2 जो है हम लगाएंगे यहाँ पे, 3 2 6, 6 के साथ ये वाला 1 प्लस हो गया, तो आ गया उससे 7, 3 9 27, तो 27 का 7 यानी वंस प्लेस डिजिट जो है यहाँ पे लगाएंगे और इसका टेंस कैरी कर देंगे इसके साथ, तो 3 4 12, 12 के साथ ये वाला 2
प्लस कर देंगे तो 2 और 2 4 और 1 तो 14 आ गया इससे। तो 14 हम पूरा लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि 4 के बाद कोई और डिजिट नहीं है। अच्छा ये 3 तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, अब 6 मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 6 को हम देखें तो वो 10th प्लेस पे है, मीनस की प्लेस वैल्यू जो है वो 10th है। तो यहाँ पे एक 0 पुट कर देंगे 1s के नीचे। अब 6 को मल्टीप्लाई कर देते, 6 4s 24 6 4s 24, तो इसका 1s यहाँ पे, फिर 6 2s 12, 12 के साथ ये वाला 2 प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, 4 यहाँ पे और 1 अभी रहता है। तो 6 9s 54, 54 के साथ 12 का ये वाला 1 प्लस कर देंगे तो 4 और 1 5 5, तो 55 आ गया। 55 का 5 यहाँ पे और 5 अभी रहता है। तो 6 4s 24, 24 के साथ हम लोग ये वाला 5 जो है प्लस कर देते हैं तो 5 4 9 और 2 अपनी जगह पे, तो 29 आ गया इससे। 29 हम पूरा यहाँ पे लगा देते हैं। दोनों नंबर्स तो हम लोगों ने, दोनों डिजिट्स यानी पूरा 63 जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उससे हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए। अब हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 नहीं 2 आएगा। सेवन और 4 को प्लस कर दिया तो 11, 1 इसका इधर कैरी, 7 और 1 8 8 और 4 12, 2 1 इधर कैरी, 1 और 4 5 5 और 5 10 0 1 कैरी, 1 और 1 2 2 और 9 11 1 1 इधर कैरी, 1 और 2 3। कॉमास को पुट कर देते हैं तो 1 2 3, सो 31,212 जो है वो इन दो नंबरों का क्या है, प्रोडक्ट।